अभी अभी अनुराग भाई यहां बैठे हैं, वित्त विभाग भी देखते हैं। मोदी जी ने कॉरपोरेट टैक्स के अंदर जो बदलाव की है, मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि आज विश्व में सबसे कम इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स वाला कोई एक देश है तो वो भारत है। और वो इसलिए किया है कि आप जो नफा कमाते हो उसमें से एक बड़ा हिस्सा पहले जो इनकम टैक्स के रूप में भारत सरकार को देते थे, अब वो आपको एक्सपांशन के काम के लिए उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा कदम है, 30% से नई इंडस्ट्री में 17% तक आना, 12% का इनकम टैक्स एक ही घोषणा के अंदर कम कर देना, और जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके लिए 30% से 25% तक, मतलब 5% की कटौती करना, ये आपकी बैलेंस शीट को निश्चित ताकत देगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि बैलेंस शीट को जब ताकत मिलती है तो आप राज्य को ताकत दीजिए, आपके उद्योग आपके धंधे को और बढ़ाकर नया इन्वेस्ट करिए। मोदी जी ने जिस प्रकार से रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति अपनाई है, मुझे आनंद है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल की भाजपा सरकार भी रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को नीचे उतारने में ये 2 साल में सफल हुई है। और इसीलिए संवाद कर इतने कम समय में 5 नीतियों की घोषणा करना, लैंड बैंक बनाना, सिंगल विंडो प्रणाली को बहुत सफलतापूर्वक संचालित करना, और इस प्रकार से एक रोल मॉडल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र के अंदर बन पाए, इस प्रकार की एक्सरसाइज हिमाचल सरकार ने की है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सूत्र अपनाया है उसको बड़ी स्फूर्ति और शिद्दत के साथ जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल के अंदर जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका पूरा फायदा यहाँ जो इन्वेस्ट करने आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लगेगा।